नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। देश में युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का गोल्डन मौका आ गया है। भारत सरकार की ओर से थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई अग्निपथ योजना का ऐलान कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के लिए बड़ी भर्ती योजना अग्निवीर को लॉन्च कर दिया। इस नई योजना के मुताबिक सरकार सेना में 4 साल के लिए जवानों की भर्ती करेगी। इस योजना के मुताबिक 3.5 साल तक एक्टिव ड्यूटी करने के बाद 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। 1 महीने के बाद सरकार 25% जवानों को भर्ती करेगी। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCS की बैठक में नई योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ भर्ती योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो सशस्त्र बलों को एक युवा प्रोफाइल पहचान करेगी। कम वक्त में सेना की ट्रेनिंग, अनुभव, सैलरी, नौकरी में चयन, इसको लेकर कई सवाल भी पूछे गए। इससे जुड़े महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब सेना की ओर से दिए गए। क्या है सेना का अग्निपथ? 3 सेनाओं में जवानों की कम समय के लिए भर्ती होगी। सैन्य बलों में जवानों की 4 साल के लिए भर्ती होगी। 17 साल 6 महीने से 21 साल तक के लिए लोग भर्ती हो सकेंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सैन्य बलों में शामिल होंगे। जवान 3.5 साल फोर्स में एक्टिव ड्यूटी करेंगे। बाद में 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। 25% जवानों की 1 महीने बाद फिर से भर्ती होगी। भर्ती सेना के तय नियमानुसार ही होगी। मेरिट और 4 साल के सेवाकाल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीयकृत और पारदर्शी मूल्यांकन होगा। 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीरों को क्या सैलरी मिलेगी? शुरुआती सैलरी 30,000 रुपये महीना होगी, जबकि 4 साल तक सैलरी 40,000 रुपये तक होगी। 70% सैलरी जवानों को मिला करेगी, 30% सैलरी सरकार अपने पास रखेगी। यह रकम सेवा निधि के रूप में जमा होगी। सेवा निधि में 30% योगदान सरकार भी देगी। EPF और PPF की सुविधा के साथ अग्निवीर पहले साल 4.76 लाख रुपये पाएंगे। 4 साल तक वेतन 40,000 रुपये यानी सालाना 6.92 लाख रुपये पाएंगे। पैकेज के साथ ही कुछ भत्ते भी मिलेंगे जिसमें रिस्क एंड हार्डशिप, राशन, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस शामिल है। सेवा के दौरान डिसेबल होने पर नॉन सर्विस पीरियड का फुल पे और इंटरेस्ट भी मिलेगा। सेवा निधि को आयकर से छूट दी जाएगी। अग्निवीर ग्रेजुएट और पेंशन संबंधी लाभों के हकदार नहीं होंगे। अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी अवधि के लिए 48 लाख रुपये का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। 4 साल सर्विस के बाद अग्निवीर क्या करेंगे? सर्विस के बाद जवानों को डिप्लोमा मिलेगा। जवानों को क्रेडिट स्कोर भी दिए जा सकते हैं। क्रेडिट का इस्तेमाल आगे की पढ़ाई में कर सकेंगे। रिटायरमेंट के बाद नौकरी में सरकार मदद करेगी। सरकारी मंत्रालय जवानों का कौशल विकास करेंगे। पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नौकरी कर सकेंगे। कॉरपोरेट सेक्टर में भी नौकरी का मौका मिल सकेगा। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकते हैं। 10 पॉइंट में जाने सेनाओं को अग्निपथ की जरूरत क्यों पड़ी? सेनाओं का सैलरी, पेंशन का खर्च बचेगा। बचे हुए पैसों से आधुनिकीकरण हो सकेगा। हथियार, उपकरण खरीदने के लिए रकम बचेगी। अभी 60% रक्षा बजट पेंशन सैलरी में जाता है। सेनाओं में सभी वर्गों को बराबर का मौका मिलेगा। अभी कई रेजिमेंट जाति और समुदायों के नाम पर है। इन रेजिमेंटों में बाहरी लोगों की भर्ती पर रोक है। सेनाओं में खाली जगहों पर भर्ती जल्दी हो सकेगी। अभी सेना में करीब 1.25 लाख जवानों की कमी है। सामान्य भर्ती से कमी पूरी करने में 6 से 7 साल लग जाएंगे। अग्निपथ से कैसे होगी सेना की बचत? अभी सेना का खर्च 10 साल के SSC पर 5.12 करोड़ रुपए है, 14 साल के SSC पर 6.83 करोड़ रुपए है और रक्षा बजट का 60% पेंशन सैलरी में खर्च होता है। वहीं अग्निवीरों पर खर्च की बात करें तो 4 साल सर्विस में 80 से 85 लाख रुपए लगेंगे। 1,000 जवानों पर 11,000 करोड़ की बचत। सैलरी पेंशन का बोझ 30% कम होगा। कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में प्रगति के लिए खुलेंगे अवसर। अग्निवीर अपनी व्यवस्था में 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रोफेशनल और पर्सनल रूप से परिपक्व और आत्म अनुशासित होंगे। अग्निवीरों के कार्यकाल के बाद नागरिक दुनिया में उनकी प्रगति के लिए जो रास्ते और अवसर खुलेंगे, वह निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा प्लस होगा। इसके अलावा लगभग 11.71 लाख रुपए की सेवा निधि अग्निवीरों को वित्तीय दबाव के बिना अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जो आमतौर पर समाज के आर्थिक रूप से वंचित तबके के युवाओं के लिए होता है। सेना के अग्निपथ का विरोध क्यों हो रहा है? विरोध करने वालों का तर्क है कि सिर्फ 4 साल के सर्विस से समर्थन भाव नहीं होगा। इसके साथ ही सीमित सर्विस से मुश्किल अभियानों में नहीं शामिल हो पाएंगे वो, और रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी मुश्किल होगी। प्रशिक्षित जवानों के हथियार उठा लेने का डर भी होगा। पुलिस बलों में सेना के जवानों का दबदबा हो जाएगा। LAC और LOC की चुनौतियों का कैसे करेंगे सामना? ट्रेनिंग देने के बाद अग्निवीर अभी भी सैनिकों की तरह चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? सेना में ट्रेनिंग स्टैंडर्ड टफ है। एक सिस्टम के जरिए इसे लगातार मॉनिटर भी किया जाता है। अग्निवीरों की ट्रेनिंग से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान या चीन बॉर्डर पर उनकी तैनाती होगी। इससे हमारी ऑपरेशनल क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी, हमारी यूनिट्स में सही संख्या में इन्हें तैनात किया जाएगा। तो आज हमने आपको सेना में अग्निवीरों की भर्ती से जुड़ी बातें बताई। आज के लिए दी इजाज़त। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।